कोलकाता में एमडी कर रही महिला पीजी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में जिले भर के स्वास्थ्य कर्मियों ने रोष जताया। स्वास्थ्य कर्मियों ने नागरिक अस्पताल से हांसी गेट चौक तक कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। साथ ही ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। कैंडल मार्च में चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित सभी पदों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। सभी ने कोलकाता में एमडी कर रहे पीजी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। जो कैंडल मार्च जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट की रेप मर्डर, उसके विरोध में पूरे के साथ साथ इसका विरोध करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल स्टूडेंट थे, नर्सिंग ऑफिसर, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, उस एक जगह पे बैठ के शांति प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पब्लिक के द्वारा अचानक से आके हथियारों के साथ चोट मारना, इसके विरोध में ही आज का जो कैंडल मार्च था। कैंडल मार्च का मतलब है कि भी कैंडल लाइट देती है, प्रकाश देती है। बड़ी शांति पूर्ण तरीके का ये मार्च और बिना किसी राजनीतिक उसके था। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, आज हमारा जो कलकत्ता के अंदर जो डॉक्टर का मर्डर जो किया गया है, उसके बारे में हमने कैंडल मार्च निकाला है और इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम देश के जो गुंडे हैं जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, हम उनको जगाना चाहते हैं कि जाग जाओ, देखो सारी इंडिया उनके पीछे लगी हुई है, सभी लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। उसके लिए, उस लड़की के लिए एक सहानुभूति है और हम उसके लिए एक जस्टिस चाहते हैं। हमारी सभी कानून व्यवस्था से, हमारे समाज से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई और जो है वैसा अपराध करने की सोच भी ना पाए। और हमारे, आपने देखा होगा, हेल्थ में सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ होते हैं जो कि फीमेल स्टाफ है, रात दिन ड्यूटी करते हैं हमारी, और जो डॉक्टर्स हैं सभी वो फीमेल। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जितना फीमेल स्टाफ है ना, हेल्थ में सबसे ज्यादा।